हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, एक purple.com का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैंने इसमें से फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट्स मंगाए थे, मैंने ये सब प्रोडक्ट्स एक साथ ही मंगाए थे, लेकिन ये एक मिनी बॉक्स है, वो लास्ट वाला ही मिनी बॉक्स था। एक्चुअली मैं इसको मिनी इसलिए कह रही हूँ, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगाए थे एक साथ ही, लेकिन ये कुछ प्रोडक्ट अभी रिसीव हुए हैं और कुछ प्रोडक्ट पहले रिसीव हुए थे। एंड चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या परचेज़ करा है। लास्ट वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने इसमें से क्या परचेज़ करा था। मुझे उसमें एक चीज़ फ्री में मिली थी, मुझे इस प्रोडक्ट के साथ भी एक चीज़ फ्री मिली है, वो शायद दोनों ने कहीं गुम कर दिया है, मुझे मिल नहीं रहा था। वो फेस वॉश था छोटू सा, और मैं बाद में मुझे दिखेगा तो मैं उसका रिव्यू शेयर कर लूँगी। छोटू सा फेस वॉश है और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है फेस वॉश करने के लिए। मैंने इसको यूज़ भी नहीं करा है, वो NY का फेस वॉश है छोटा सा, बाकी मैंने उसे देखा भी नहीं है इतने अच्छे से, पता नहीं गुम ने कहाँ गुम कर दिया उसको। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे प्रोडक्ट्स जो उसमें आए हैं। ये ऑफकोर्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पर्पल एंड नायका इतने अच्छे से पैकेजिंग करके भेजती है अपने प्रोडक्ट को कि वो कभी भी टूट फूट या मतलब कुछ भी नहीं हो सकता उन्हें, वो इतने अच्छे से पैक करके भेजती है। मैंने ये सब अलग अलग उसमें पैक थे इस तरह के रैप में, बट मैंने सबको अलग अलग कर दिया है, इसलिए मैंने सबको अभी फ़िलहाल एक के अंदर ही मिक्स कर दिया था। तो चलिए अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक एक करके रिव्यू शेयर करना आप लोगों के साथ। ओके फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है कुकुम्बर ग्लो टोनर। ये मैंने टोनर मंगाया था मेरे फेस के लिए, मैंने पहले कभी कोई टोनर नहीं यूज़ करा था, मैं सच बता रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट जो टोनर है वो परचेज़ करा है। ये कुकुम्बर का है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। मैं इसे जैसे ही आया था मैंने उसी दिन से इसको प्लस इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे फेस में पिंपल्स हो रहे थे, और मैं इसका रिव्यू बाद में शेयर करूँगी, वो मेरे पिंपल्स में कुछ इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए मुझे इनको यूज़ करते हुए। तो ये कुकुम्बर बेस्ड विल कुकुम्बर एंड क्लीनिंग टोनर दैट रिमूव एक्सक्लूसिव ऑयल एंड डर्ट फॉर रेडियंट ग्लोइंग स्किन। ये आपके फेस से जितना भी ऑयल होता है, हमारा फेस क्या होता है, हमारे फेस में कुछ पोर्स होते हैं, उसमें जाकर ये अच्छे से उसको क्लीन करता है, जिससे पिंपल्स की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें 2 साल का इसकी लाइफ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो 7/2019 में हुआ है, और इसकी एक्सपायरी डेट है 6/2021। तो ये काफ़ी इसकी शेल्फ लाइफ है, तो मतलब 2 साल इनफ है, 2 साल में तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। तो ये 175 का है और मुझे ये काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट मिला है, ये आई थिंक 130 समथिंग का मिला है मुझे ये। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, मैं इसको काफ़ी 3 दिन से जो है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो गुड वाइब्स के ऑब्वियसली बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, मैं गुड वाइब्स के ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे उसके प्रोडक्ट। तो मैंने ये जो है ये गुड वाइब्स का ही परचेज करा, इसलिए कि मुझे गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी ओरिजिनल होते हैं। और इसको बता देती हूँ इसे किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले अपना फेस रोज़ रात को एंड मॉर्निंग में इसको क्लीन करना है अपने फेस को अच्छे से, उसके बाद ये पूरे फेस में स्प्रे कर देना है, फेस अपने आप इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और अच्छे से इसको एब्जॉर्ब होने देना है। थोड़ा सा हाथ से कोशिश करनी है हो जाए, बट ये अपने आप ही हो जाता है, जल्दी जल्दी ही हमारा फेस इसको सोख लेता है। तो उस ये यूज़ करने के बाद आप रोज़ रात को, मतलब मेरी ये डेली रूटीन बन गया है और अभी भी ये रूटीन मेरी चल रही है, लेट्स सी कब तक चलती है। तो मैं तो मतलब देखने वाली हूँ कि इससे कुछ इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद मैं ये सीरम अप्लाई करती हूँ अपने फेस में डॉट डॉट करके, तो उसके अच्छे से अपने फेस में एटलीस्ट 2 से 3 सेकंड तक मैं अपने पूरे फेस में से मसाज कर लेती हूँ। तो ये मेरी डेली नाइट की रूटीन बन गया है, मैं मॉर्निंग में कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन जिसके ज़्यादा पिंपल्स है या फिर पोर्स बहुत ज़्यादा हैं वो इसे डेली मॉर्निंग में एंड नाइट में इसे डेली यूज़ करें, तो काफ़ी अच्छा। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेज किया था purple.com से, वो है मेरी ये BB क्रीम NY की। और एक्चुअली मैंने इसका सिर्फ रिव्यू देखा था, उसके बेस पे ही मैंने इसे मंगा लिया था। तो ये अच्छी क्रीम है या नहीं ये मुझे भी नहीं पता, और ये अपने आप ही लीक हो रही है, अपने आप ही निकल रही है, इसको मैंने एक बार ये यूज़ भी नहीं करा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ये किस टाइप की क्रीम है। तो ये देखिए, इसकी स्मेल कुछ दवाई जैसी है, जैसे दवाई होती है ना उस टाइप की स्मेल है इसकी।
ठीक है, आप अगर डेली बेस के लिए से यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए ठीक है, आप डेली मेकअप करते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम से कहीं जाना पड़ जाता है और आप पूरा मेकअप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ठीक है आपके जितने भी पोर्स वगैरह होंगे या फेस के दाग वगैरह उसका थोड़ा बहुत छुपाएगी, ज़्यादा नहीं मैं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा छुपा देगी, थोड़ा बहुत छुपाने में ये हेल्प कर सकती है, बट स्मेल इसकी बेकार है। एक्चुअली क्या है, शायद NY के प्रोडक्ट की स्मेल ही बेकार है। मुझे ना जो मैंने ये सीरम मंगाया था उसकी स्मेल भी मुझे कुछ खास नहीं लगी, ये भी मुझे बेकार की ही स्मेल लगी है इसकी, बट चलो ठीक है। हो सकता है कि जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसमें स्मेल नहीं होती है शायद अच्छी वाली। तो चलिए अब हम नेक्स्ट जो है मेरा मैंने मंगाया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये है लिक्विड कंसीलर, ठीक है, इसको तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने ये भी मंगाया है। मुझे ये बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने कोई कंसीलर भी मंगाया है, तो ये भी NY का ही है। मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट जो है NY के मंगाए हैं, काफ़ी अच्छे से पैक होके आया है। तो जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो भी 2019 से 2000, मतलब 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ है, और 6/2019 से ये मैन्युफैक्चर हुआ है और 7/2021 को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट, ये देखो ये काफ़ी प्यारा है और मैंने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करा था इससे पहले, तो मैं इसको फर्स्ट टाइम ही इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो चलो ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैंने इसे ओपन करा तो मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, ये यहाँ से टूट गया, टूटा नहीं है निकल गया, ठीक है, तो एकदम से इसकी कैप इस तरह से हो गई है। एनीवे चलो मैं प्रोडक्ट देख लेती हूँ किस टाइप का है। तो ये रहा, ठीक है, तो ये देखने में ऐसा लग रहा था कि ये भरा हुआ है, तो बट ये भरा हुआ नहीं, आप देख सकते हैं ये बीच में से खाली हो गया है, इसे इसे बाहर निकालते ही इसकी। ओके, तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लग रही है जहां तक मैं देख पा रही हूँ, तो ये रहा कंसीलर, तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ जरा ये किस टाइप का कंसीलर है। तो ये काफी स्मूथली अप्लाई हो रहा है, ठीक है, बट आई थिंक ये मेरे कलर के अकॉर्डिंग नहीं है जहाँ तक मुझे लगा। इसकी स्मेल माय गॉड बॉम है, बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी। ये भी तो NY का ही है, तो इसकी स्मेल क्यों नहीं इतनी अच्छी है भाई। तो ये देखिए ये मैंने अप्लाई कर दिया है, तो चलिए मैं इसे ब्लेंड कर देती हूँ। ओके, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है ब्लेंड हो गया है आपके फेस से। ये मेरे फेस में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है। जो इसकी जो ये इसका जो ब्रश है ये इस टाइप का है कि आसानी से कहीं को भी मुड़ जाता है, ये देखिए इस टाइप का इसका ब्रश है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला प्रोडक्ट भी। मैं मैं इसको भी पैसा वसूल बोलूँगी, मतलब मुझे ऐसा नहीं, रिग्रेट नहीं होगा इसे लेके बिल्कुल भी। तो ये मेरा 2 नंबर शेड है, मिल्की चॉकलेट प्लेजर, आई डोंट नो ये कुछ ऐसा इसमें लिखा हुआ है, मिल्की चॉकलेट प्लेजर। तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर देखने में जब मैं अप्लाई कर रही थी मुझे ऐसा लग रहा है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको डैब डैब करके अप्लाई करा अपने फेस पे अच्छे से, तो फिर ब्लेंड करा मतलब, तो मुझे लगा कि नहीं ये मेरी फेस के अकॉर्डिंग ही है, नहीं तो मैं इसे रिप्लेस करने वाली थी। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ, वो है हमारा ये क्या है, ओके ये है मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो चलिए अब मैं देखती हूँ, ये भी मैंने नहीं ओपन करा है, कुछ प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिए थे, वो मैंने कुछ भी ओपन नहीं करा था, मैंने सिर्फ ये टोनर ओपन करा था और मैंने कुछ भी ओपन नहीं करा था। तो जो इसको है इसकी सेल्फ प्राइस भी 2 है, 2 साल की है। तो ये भी NY का सेटिंग स्प्रे है, तो चलिए मैं देखती हूँ ये किस टाइप का सेटिंग स्प्रे है। ओके, ये बहुत छोटू है एक्चुअली, कितना ML है, 30 ML है, इससे बड़ा भी था, बट मैं एक बार देखना चाह रही थी कि सच में इफेक्टिव है या नहीं है इसलिए। तो फ्रेंड्स मैंने भी सिर्फ चेक करने के लिए मंगाया था कि ये अच्छा है और हमारे फेस को ख़राब तो नहीं करेगा या मेकअप को सेट रखेगा और कितने टाइम तक सेट रख सकता है। तो चलिए, दोनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये सो नहीं रहा है और आज
इससे मुझे कुछ भी नहीं करने देना है। तो ये रही मेरी सेटिंग स्प्रे। ओके ओ गॉड, ओके। तो इसने एकदम से, एक्चुअली मैंने अपनी आईज खोल ली और काफी यू नो कूल इफेक्ट है इसका। प्राइस है वो 199 रुपीज़ का है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सस्ता मिला था, आई थिंक 170 समथिंग का मुझे ये। खुश हूँ अपनी शॉपिंग से। मुझे कोई चीज़ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मुझे एनवाई की सीसी क्रीम मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी है कि लैक्मे की जो बीवी क्रीम है वो ज़्यादा अच्छी है एनवाई की सीसी क्रीम से। खैर सस्ती है, क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपसे इतने की, ऐसा ही तुम्हें यू नो कम रेट में इतना ही मिलता है। तो आप लोग इनमें से कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, मैं उसका पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। मुझे सीसी क्रीम थी जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूँगी। ठीक है, अगर कॉलेज कोई गोइंग गर्ल है या फिर कोई डेली ऑफिस जा रहा है तो डेली मेकअप तो नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसके लिए आपके लिए बढ़िया है कि आप इस टाइप की बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स मुझे ठीक लगा प्रोडक्ट, मैं सब अच्छा है। जो स्प्रे था सेटिंग स्प्रे वो काफ़ी कूलिंग इफेक्ट दे रहा है हमारे फेस को, काफ़ी ठंडा ठंडा बना दिया है, और मेकअप भी अच्छे से लग रहा है मुझे कि फिक्स हो गया है। तो सेटिंग स्प्रे भी काफ़ी अच्छा है, और कंसीलर जो मुझे बहुत प्यारा लगा है, जो मेरा बेस्ट जो मुझे लगा है एक कंसीलर। ऑफकोर्स नेल पेंट्स ये देखिए, ये मैंने 3 से 4 दिन हो गए हैं मुझे इसको अप्लाई करे हुए, ये एज इट इज़ है। ये देखिए, उस दिन जब मैंने रिव्यू करा था ये, तब से मैंने लगाई हुई, ये एज इट इज़ है, मैं बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, और ये काफ़ी अच्छी अच्छी नेल पेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छी लगी एन वाई की। ओके फ्रेंड्स, मेरे को अपनी जगह चेंज करनी पड़ी है, गुनू के चक्कर में। गुनू ट्राईपॉड मांग रहा था तो मैंने उसे ट्राईपॉड दे दिया, अपने हाथ में लेना पड़ रहा है मुझे अपना फ़ोन। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को इनके प्रोडक्ट एन वाई के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं, यू नो जेन्युइन रेट है इनका, मुझे अच्छा रेट के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और अगर आप लोग लेना चाहोगे इन प्रोडक्ट्स को, मैं लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मुझे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लगे इन मैंने जो भी शॉपिंग करी है। वन नेल पेंट बहुत अच्छा मुझे नेल पेंट लगा, तो वो मैंने दिखा दिया आपको कि मैंने 3 से 4 दिन तक मैंने इसे लगा के रखा हुआ है, वो तब भी इतना एज इट इज़ है और बिल्कुल भी नहीं निकली है ये नेल पेंट। सेकेंडली मुझे इसका सीरम बहुत अच्छा लगा है, मतलब लग रहा है, लेट्स सी। वो मैं अभी एटलीस्ट 10 दिन तक मैं उन्हें यूज़ करके देखना चाहती हूँ। नेक्स्ट जो मुझे इसका लगा है, सेटिंग स्प्रे स्प्रे भी ओके ओके है, वो इसलिए क्योंकि वो आपको फेस को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है और फेस को सेट कर दिया है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ अगर आप उसे ले रहे हैं तो आँख तो बिल्कुल भी मत खोलिएगा, क्योंकि मेरी आँख में एकदम चला गया था, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ एकदम से। तो आँखों में तो मतलब हो सके तो बिल्कुल मतलब गलती से भी मत डालना, मैं बताऊँगी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं। तो बाकी अच्छा स्प्रे है, ठीक है, स्मेल इतनी कोई ख़ास नहीं है, ठीक ठीक स्मेल है ओके। तो सेटिंग स्प्रे इसका अच्छा है, और कंसीलर ऑब्वियसली कंसीलर भी ठीक है, कंसीलर भी अच्छा है इसका। मुझे इसकी क्रीम नहीं कुछ इतनी यू नो खास लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा मेरा रिव्यू, और मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप जाके उसे बाय कर सकते हैं, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उन प्रोडक्ट को शेयर करने यूज़ करने के बाद, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वरना मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है इसको शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा रिव्यू, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना है, क्योंकि एक बंदा जो वीडियो जो यूट्यूबर होता है वो अपनी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता है, सीरियसली बहुत मेहनत करता है। आप लोगों का बिल्कुल पैसा नहीं जाता सिर्फ एक सब्सक्राइब करने में, नेट पैक भी आप यूज़ करते ही हैं, सिर्फ एक बटन क्लिक करना है, उसके लिए इतनी MB भी खर्च नहीं होती है, मैं आपको बता रही हूँ। तो इतनी MB भी आपकी खर्च नहीं हो रही है, लेकिन जो बंदा यू नो यूट्यूबर है वो मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत थोड़ी बहुत ही सही बट सफल हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ, हाँ मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। एक यूट्यूबर है कोई सोफा हॉलिक IM करके, तो उनसे मैंने एक
किटी, हेलो किटी करके मैंने फेस के लिए ब्रशेस मंगाए थे। तो मैं सच बता रही हूँ, वो मुझे, मैंने पूरे नेट पे सर्च करे वो कितने के ब्रशेस हैं, तो मैं उनका सिर्फ, मैं एक बार देखना चाह रही थी। वो काफ़ी अच्छे वीडियोस डालते हैं और मैं उनकी चैनल बनाया है उससे मैंने परचेज करा है कुछ। तो मैंने पहले सोचा था, ऑब्वियस बात है, अगर आप किसी से फर्स्ट टाइम परचेज करें तो आप एकदम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके ट्रस्ट बनता है ऑब्वियसली। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका प्रोडक्ट बिके ना बिके, खैर मतलब मैं एक बात बोल रही हूँ, लेकिन उनके बहुत ही जेन्युइन रेट था। मैंने वो पूरे पूरे नेट पे सर्च करा हेलो किटी करके, तो वो मुझे 170 और डिलीवरी चार्ज करके वो 200 समथिंग का पड़ रहे थे सब जगह। मैं बता रही हूँ महंगे ही पड़ रहे थे, तो मुझे वो सिर्फ मिले हैं 143 रुपीज़ में। मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी कि वो अपने प्रोडक्ट को बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्ट सबसे सस्ते हैं, तो मैंने कहा चलो चेकआउट करते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसा मिलेगा, ट्रू होगा भी नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वो किस तरह का मिला है मुझे प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, ये रहा मेरा प्रोडक्ट हेलो किटी के नाम से। ये बहुत ही छोटू सा है और ऐसे ही होते हैं इसके प्रोडक्ट। पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने ही मुझे बहुत छोटा जो है ये ब्रशेस दिए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस हैं। मैं एक बार, मतलब ये कल मुझे रिसीव हुआ था, मैं एक बार इन्हें यूज़ कर चुकी हूँ। जो इनके जो ये ब्रिसल्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं फॉल होते, बिल्कुल भी फॉल नहीं होता इसमें, तो ये बहुत ही प्यारे हैं इसके। ये मुझे 7 का जो है सेट मिला है, 7 ब्रशेस का सेट है। ये सारे ब्रशेस काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए, आप इसका रिव्यू देखना होगा तो आप किसी और साइट पे देख लीजिए, किसी और यूट्यूबर के पास देख लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। तो आप लोग कहीं भी जाओगे, कहीं भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मुझे हर जगह ये एक्सपेंसिव लग रहा था। जो चैनल है उससे मैंने काफ़ी कुछ और मंगाया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को, तो ये रहा मेरा वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब मैं आप लोगों के लिए सोच के और भी वीडियोज बनाती रहूँगी शॉपिंग से रिलेटेड। तो देन बाय, टेक केयर, बाय।